अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। आई एम योर सोशल स्टडी टीचर एंड इट्स योर सोशल स्टडी बुक। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन द बुक, कम टू द पेज नंबर 55। इट्स योर पेज नंबर 55। स्टार्ट रीडिंग। टॉपिक इज द पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस क्या होता है, लुक एट द पिक्चर। पोस्ट ऑफिस। Start reading. A post office is a place from where you can send postcards, greeting cards, documents, patent papers and parcel. This is called mail. Post office क्या होता है? Post office एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम postcard post करते हैं, greeting cards देते हैं, documents जो हमारे important papers होते हैं और parcel. You can also buy stamps and special envelope at a post office. हम जो हैं वहाँ से buy करते हैं stamps को और special envelope जो होते हैं post office से। You can use these to send letters through the post. क्योंकि जब हमें कोई चीज़ post करनी होती है तो उसके लिए बहुत important होता है कि उस पर stamp भी हो और envelope भी हो। When you send a letter, you have to put a stamp on the envelope. जब हम किसी को कोई letter send करते हैं तो उस पर stamp ज़रूर put होनी चाहिए envelope के ऊपर. Then you must put the letter in a post box. और उसके बाद हम letter जो है वो post box में डाल देते हैं. A postman will collect the letter from the post box. और उसके बाद जो postman होता है वो जो है collect कर लेता है हमारा letter post box के अंदर से. All the letters are sorted at the post office and then sent to the people to whom they are addressed. और फिर सारे जो post post letters होते हैं, जो हमने letters post किए होते हैं, वो सारे letters जो हैं वो post office जाते हैं, फिर वहाँ से वो लोगों को दिए जाते हैं जो जो उन पर address लिखा हुआ होता है. Look at the picture. A post box. ये picture किसकी है? ये post box की है. हम यहाँ जो इन्होंने यहाँ पे जो इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर हम अपना एनवलप पुट कर देते हैं. उसके बाद जब पोस्टमैन आता है, पोस्टमैन जो है इसका लॉक ओपन करके इसके अंदर जितने भी लेटर्स होते हैं वो लेटर्स वो कलेक्ट कर लेता है. उसके बाद जहाँ जहाँ पे एड्रेस पे जिस जिस एड्रेस पे उनको देने होते हैं फिर वो पोस्टमैन जो है वहाँ से पोस्ट कर देता है जहाँ जहाँ उनसे देने होते हैं. सेकेंड पिक्चर इज आई स्टैम्प. ये स्टैम्प होती है. इस स्टैम्प के बगैर जो है हमारा एनवलप आगे नहीं जाता. ये एनवलप होता है हमारा. इस एनवलप के ऊपर यहाँ जो यहाँ पिक्चर लगती है जो अभी मैंने ये वाली पिक्चर. और ये फोर्थ पिक्चर क्या है? ये पार्सल है. अगर किसी को कोई चीज़ पार्सल में देनी होती है तो इस तरह से पोस्ट होता है. इस पर भी स्टैम्प वगैरह लगती है और फिर जो एड्रेस इस पर लिखा हुआ होता है, एनवलप हो पार्सल हो, तो वो वहाँ पर उनको उन तक पहुँचा दिए जाते हैं. नाउ टेक आउट योर फोल्डर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट द हेडिंग यूनिट नंबर 6, पब्लिक प्लेसेस. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज मार्केट. आंसर इज मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल गो टू बाय और सेल थिंग्स. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक प्लेसेस. आंसर इज पब्लिक प्लेसेस आर बैंक्स, स्कूल, मॉस्क, मार्केट, हॉस्पिटल, ईटीसी. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज पोस्ट ऑफिस. आंसर इज अ पोस्ट ऑफिस इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन सेंड पोस्टकार्ड, पार्सल, मेल सर्विस. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. क्वेश्चन नंबर 4 इज Make a list of 6 things you can buy from market. Answer is we can buy clothes, toys, groceries, food, books, tools, etc. Question number 5 is which shop do you go to? Answer is I go to toy shop near my house. Do all work in your folder with neat and clean writing. Hope
यू ऑल आर अंडरस्टैंड टुडे वीडियो. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई विल कम बैक विथ अनदर वीडियो. टिल देन अल्लाह हाफिज़.